देखो बच्चों, सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी लोगों को। ये अगस्त 2023 का रक्षाबंधन है। आज मैं बताने जा रहा हूँ स्वर का मात्रा, मात्रा के विषय में बताने जा रहा हूँ। जो 12 खड़ी में मात्राएं लगती है वह केवल आ ई उ री की मात्रा नहीं लगती है, ये 12 खड़ी में नहीं चलता। ए ऐ ओ अं अह इतने मात्राएं यूज होती है, ये मात्रा यूज नहीं होती, 12 खड़ी में नहीं चलता। जैसे क में आक मात्रा लगेगा, क में अगर आक मात्रा लगाएंगे तो का बन जाएगा। यही क में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो पीछे पाई ऊपर से ओढ़ाई एक कहा जाता है। और यही क में बड़ी की मात्रा अगर लगाएंगे तो आगे पाई ऊपर से ओढ़ाई, इसको की बोला जाता है। और ये जो छोटा उ है, छोटा उ की मात्रा जैसे क में, छोटा उ की मात्रा पू बोला जाएगा। और ये बड़ा उक मात्रा अगर क में लिखा जाए तो ये कू बोला जाएगा। एक मात्रा एक खे चुंडी ऊपर होता है। और का मात्रा दो चुंडी ऊपर होता है। ओ का मात्रा एक पाई ऊपर से ओढ़ाई। आओ का मात्रा पाई ऊपर दू चुंडी। अंक का मात्रा क के ऊपर एक बिंदी और अह का मात्रा दो बिंदी आगे। ये जो स्वर होता है, हर व्यंजन में स्वर अ जो होता है, यहाँ अ का मात्रा नहीं रहता। जो अ का मात्रा यहाँ पे नहीं है, हर एक व्यंजन में अ छुपा रहता है, बगैर स्वर का कोई व्यंजन नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पे क बोला जाएगा तो क में अ छिपा है, अगर ख बोला जाएगा तो ख में अ छिपा है। हर एक व्यंजन के साथ अ जुड़ा रहता है, अ हर एक व्यंजन के साथ, हर एक अक्षर के साथ अ जुड़ा रहता है, इसलिए इसकी मात्रा नहीं होती। मात्राएं यहां से शुरू होती है 12 खड़ी में, यही से लिखा जाता है। लेकिन क जो होता है 12 खड़ी में चलता है। जैसे क का की कु को के कै को कौ कं कह, ये 12 खड़ी का ककहरा है, ये 12 खड़ी का ककहरा है। इन्हीं मात्राओं को जोड़ करके शब्द बनाया जाता है। शब्द कैसे बनाया जाता है? जैसे यहां क लिखा जाए, अगर हम आ का मात्रा जोड़ दिया और उसके आगे एक अक्षर आओ लिख दे म, काम बन गया। काम एक शब्द है। काम क्या है? एक शब्द। काम एक शब्द हो गया। ऐसे ही छोटी की मात्रा अगर लिखा जाए छोटी की मात्रा इस्तेमाल किया तो किताब बन गया। तो में आ का मात्रा लगा हुआ है, किताब बन गया। किताब एक शब्द है। किताब एक शब्द है। ऐसे ही क में छोटा उ का मात्रा अगर लिखा जाए कुमार, कुमार से एक शब्द बन गया।
बड़ा उपमात्रा वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर रोक जाएगा। हाँ बच्चों, ये जो छोटा उ का मात्रा है कुमार बन गया, ये बड़ा उ का मात्रा देखो यहाँ पे चा कु क में बड़ा उ का मात्रा लग गया, यहाँ एक शब्द बन गया एक मात्रा। महेश में ह में एक मात्रा लग गया, यहाँ पे एक मात्रा लगा रहा हूं, यहाँ देख लो कैलाश ओ का मात्रा लगा के कोमल, औ का मात्रा लगा के कौशल, अंक मात्रा लगा के कंगारू, अह का मात्रा लगा के सह, ये अह का मात्रा लग गया है स में, ये स हो गया। संस्कृत शब्द अक्षर में शब्द में ज्यादातर स का ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, स पढ़ा जाता है, इसे अह का मात्रा लगा के बनाया गया है। हाँ देखो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था मात्रा का, ये मात्रा अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।